56 लाख है सात निश्चय में और 13 लाख भैया देखिए गौदहमी वित्त आयोग में, 40 लाख रुपया इंदिरा आवास में। लिखा हुआ है कि श्री दिनेश कुमार के विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी नारदीगंज को दिया जाता है। श्री कुमार को सेवा में रखना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होगा। इसमें वार्ड और वार्ड सचिव के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया। इन लोगों ने 58 लाख रुपया की अवैध निकासी कर लिया है। हमारे पास 3,80,000 रुपया लेके आया था। हमारे घर में मुखिया पदाधिकारी लोग आदमी भेज के हमको मरवाता है, हम वीडियो बनाए। 13 वार्ड में जो मुखिया जी का पक्ष का वार्ड है सब पे भैया राशि गबनकारों। हम जाएंगे आपी के पास दोबारा जाएंगे कि हमारी लड़ाई है इन लोग के लिए, मैं अपने लिए लड़ाई नहीं के लिए लड़ रहा हूँ। मुखिया जबरदस्ती उसका गाड़ी नंबर BR 27 7980 है कि मेरा गाड़ी में धक्का मार दिया, मेरा गाड़ी अंदर में लगा हुआ, हमारी औकात नहीं है कि उसके साथ हम लड़े। नमस्कार, आप सस्टॉक देख रहे हैं, मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। अभी हम नवादा के नादरीगंज में है और जहाँ पे एक 28 साल का युवा अपने गांव के लिए ननौरा पंचायत के लिए अनशन पे बैठा है, अमरण अनशन, भूखे प्यासे पिछले 11 दिन से यहां पे प्रदर्शन पे बैठा हुआ है, अनशन पे बैठा हुआ है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। कारण यह है कि गांव में धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितता हुई है, तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हम जानेंगे कि क्या कारण है जो 11 दिन से ये प्रदर्शन पे तो बैठे हैं, अमरण अनशन पर तो बैठे हैं, लेकिन इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। तमाम ग्रामीण लोग भी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपको चीज दिखा दे कि ये मनीष कश्यप को अपना आदर्श मानते हैं। मनीष कश्यप का फोटो लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ननौरा गांव पंचायत में राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। मनीष कश्यप के नक्शे कदम पर चलते हैं, क्योंकि दोनों का रास्ता एक ही, मतलब एक ही है, लोगों के लिए लड़ना, लेकिन रास्ते अलग अलग बदल के चल रहे हैं। वो माइक उठाए हुए हैं तो ये अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन पहुंचना एक ही जगह है, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। हम पहले इनसे बात करेंगे। 10 साल से वार्ड सदस्य के पद पर हम कार्यरत हैं और हमारे पंचायत में BDO राजीव कुमार रंजन, JE सैफ अली, पंचायत सचिव सत्येंद्र पासवान और मुखिया किरण वर्मा पति शंकर साव सोनी, इन लोगों ने हमारे ग्राम पंचायत से मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना ड्रीम प्रोजेक्ट योजना, उससे इन लोगों ने 58 लाख रुपया की अवैध निकासी कर लिया है। और अवैध निकासी करने के बावजूद इसमें वार्ड और वार्ड सचिव के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया। मतलब गलत फर्जी FIR है, वो गलत FIR है। जी बिल्कुल गलत FIR है, क्योंकि राशि पत्रकार महोदय इस प्रकार नहीं निकलता था। अब लेट की राशि हमको कागज दीजिए, हम कागज में आपको बताएंगे कि राशि पत्रकार महोदय इस प्रकार नहीं निकलता था। जब भी राशि निकलती थी तो राशि पहले आती थी 60% राशि आई खाता में 1 लाख का, यानी 60,000। उसके बाद काम पूर्ण होने के बाद फिर 40% राशि आती थी। पहला मेरी ये मुद्दा है, 40% राशि आती थी। तो पत्रकार महोदय, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ और हम तो हमारे अपने गुरुजी से भी मैं विनती करना चाहता हूँ कि बताइए, जब राशि आया, हमारी राशि निकासी करने में BDO साहब आदेश देते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, यह स्पष्ट है, उसका हम फोटोकॉपी लेके आ जाएंगे आगे। BDO साहब आदेश देते हैं, उसके बाद राशि और बैंक मैनेजर रिसीव करता है, तब राशि निकलती है। और जिन जिन लोग पे FIR किया ना, उसका BDO साहब अनुशंसा किया, ना उसका पंचायत सचिव अनुशंसा किया और ना उसका JE अनुशंसा किया, और चारों मिल के इन लोग माल खा लिया और गरीब तबके लोग, बादशाह हरजन समाज के लोग को फंसा दिया। चलिए एक सवाल पूछेंगे, आप एक पद पे हैं गांव में, क्या आपको भी कुछ ऑफर हुआ था कभी? हमको ऑफर हुआ था पत्रकार महोदय, हमारे पास 3,80,000 रुपया लेके आया था। यही हम एक ऐसा आदमी है कि हमको, मैंने आपको से क्या बोले, हमको पूरा नेता सब एकदम मारने के पक्ष में लग गया है, पूरा नेता। देखिए 40 बोतल पानी चढ़ा हुआ, 40 बोतल। अब देखिए कि 40 बोतल इनको पानी चढ़ रहा है, 11वां दिन है, तकलीफ में है, ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, पूरे समाज के लिए लड़ रहे हैं। और प्रशासन से अनुरोध है कि कम से कम जांच की जाए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीधे सजा दे दें आप, लेकिन जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक बार जांच जरूर होनी चाहिए। हाँ आप बताइए। महोदय हम ये अब अनुशंसा किए तब राशि निकलता था, और इसमें लिखा है BDO साहब, ये देखिए स्पष्ट में, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना के ज्ञापन भी है,
6743 पंचायती राज 8/12/2018 के दिशा निर्देश के आलोक में आपके द्वारा अनुरोध पत्र दिया गया। देखिए मैंने अनुरोध पत्र दिया था वीडियो साहब, ये अनुरोध पत्र दिया गया। ठीक है, तो ये बताइए कि आपके ऊपर प्रेशर भी बनाया जा रहा था बहुत कुछ दिनों से, ये भी खबर आई है कि आप पे बहुत सारा टॉर्चर हुआ है, बहुत सारा प्रेशर हुआ है घर में। देखिए हमको, हम गरीब आदमी, हमारे घर में मुखिया पदाधिकारी लोग आदमी भेज के हमको मरवाता है। हम वीडियो बनाए हैं, हम आपको वीडियो देते हैं, आप देख सकते हैं। हम भैया तक दो बार हम गए हैं, उनका घरे भी गए हैं और हम उनका टी शर्ट पहन के गए थे। ये देखिए, आपको लगता होगा नहीं है, ठीक है, उनका हम टी शर्ट पहन के गए थे। मैंने लिखा था मनीष तुमने आज दिला, ये देखिए एक बार टी शर्ट इधर दिखाइए। ये मनीष कश्यप के आदर्श पे चल रहे हैं, मनीष कश्यप का टी शर्ट पहने हैं यहाँ पे। बेतिया तक गया था और ये बेतिया गाँव तक भी गए। मनीष कश्यप से क्या उम्मीद है आपको? बस हमको यही उम्मीद है, वही हमको अब न्याय दिला सकते हैं, नहीं तो अब इन लोग सब चोर बैठा है। नारदीगंज में जितना है और जिला में सब पदाधिकारी चोर बैठा है। DPRO हमको क्या कहते हैं कि तुम बैठो अमरन अनशन पे, तुमको हम ठूस देंगे अंदर। DPRO बोलते हैं जब आप अनशन पे बैठेंगे वो आपको जेल में ठूस देंगे, ऐसा कैसे? हाँ, और FIR कर दिए हैं थाना में सर, जाके देखिए जिला कोर्ट में, थाना में एक FIR हो चुका है। ये अमरन अनशन पर बैठे हैं तो अरेस्ट नहीं हो रहा है, नहीं तो FIR हो ले, आप पता करके देखिए। आपको लगता है कि आप धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे और न्याय मिल जाएगा? हमको भैया न्याय दिला देंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम आत्मदाह कर लेंगे। नहीं नहीं, आत्मदाह करने का कोई ऐसा नहीं है, आप सिस्टम से लड़ेंगे जी करना, मर के सिस्टम से नहीं लड़ा जाता। सिस्टम से लड़ना है तो आपको थोड़ा एफर्ट करना होगा, थोड़ा लड़ना होगा, जीना होगा। भैया सिस्टम से तो हर एक जगह लड़ लिए, को हाई कोर्ट तक किए, हाई कोर्ट का आदेश भी आया, उन लोग पर भी अभी जांच नहीं कर रहा है, अब कहाँ जाएंगे हम लोग। उतना लड़ते हैं सिस्टम में से, लेकिन अब हमारे घर में भैया आदमी भेजवा देता है मरवाने के लिए। हमको एगो बेटा है, अगर हमको घर पर तीन चार बार चढ़ गया, हम तीन चारों बार का आपका वीडियो दिखाते हैं और तीन चारों बार का आपका हम वीडियो देंगे। और ये सब पदाधिकारी कराता है, इन लोग मुखिया जी का एक दबंग आदमी है, वो सीधे घर पर चढ़ जाता है। मुखिया का क्या रोल है इसमें? मुखिया गबन किया है, मुखिया ही सारा पैसा निकाला है। पूर्व मुखिया शंकर साहु, किरण वर्मा पति शंकर साहु सोनी, बाढ़ सचिव का कहीं दोषी नहीं है। आप, मैं तो ये मांग करता हूँ जिला पदाधिकारी महोदय से और भैया से भी मांग करता हूँ कि जिन जिन बाढ़ सचिव पर FIR हुआ है और बाढ़ अध्यक्ष पे FIR हुआ है, उसकी सबसे पहली बात उसकी चेकबुक का सिग्नेचर जांच किया जाए फॉरेंसिक, पहला। दूसरी बात भैया, जब एक बाढ़ का, हमारे पंचायत में तो अलग कानून नहीं है, दो कानून चलेगा। जब आप एक बाढ़ का अनुशंसा करके राशि निकालने का आदेश दे रहे हैं तो आप उस बाढ़ को अनुशंसा करके राशि निकालने का आदेश क्यों नहीं दिए? और उसके बाद में ननौरा ग्राम पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्ड में 9 वार्ड परिपूर्ण, 13 वार्ड में जो मुखिया जी का पक्ष का वार्ड है सब पे भैया राशि गबन का आरोप है। लेकिन ये अपना फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जब मैंने हाईकोर्ट किया तो ये अपना 3 वार्ड का जो नीचे दबके हुए के बाढ़ थे उसके ऊपर ये जो टोटल गबन हुआ है कितना अमाउंट है? 56 लाख के आसपास है। 56 लाख है 7 निश्चय में और 13 लाख भैया देखिए 14वीं वित्त आयोग में, ये देखिए लगभग 70 लाख के आसपास है, 70 लाख रुपया है। उसके बाद में भैया 40 लाख रुपया इंदिरा आवास में, ये देखिए सब लिखे हुए हैं, सब है, देखिए ना लिखा हुआ है कि श्री दिनेश कुमार के विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी नारदीगंज को दिया जाता है। श्री कुमार को सेवा में रखना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होगा, अतः श्री कुमार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित आयोग लाभुकों को प्रखंड विकास पदाधिकारी नारदीगंज को राशि वापसी करने का सुनिश्चित का निर्देश दिया जाता है। सबसे 30,000 रुपया तहसील लिया और जब मैं इस पे RTI इंद्रावास में 30,000 सबसे लिया गया, 30,000 और जब मैं RTI मांगा तो देखिए पत्रकार महोदय, कितने परिवार हैं टोटल हम गाँव में ननौरा पंचायत में? ननौरा ग्राम पंचायत में 6,000 जनता है। कितने घर होंगे, कितने इंदिरा आवास मिले होंगे लगभग ननौरा ग्राम पंचायत में? मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ, देखिए ननौरा ग्राम पंचायत में अभी इस बार 34 को आया है और देखिए कैसे राशि, देखिए एक इस व्यक्ति तहरून निशा, इसको 3 बार कॉलोनी मिला, इसकी जाँच किया जाए, देखिए इसका जांच रिपोर्ट भी है। और अगर इस सब के खिलाफ ये देखिए इसका, देखिए तत्कालीन ग्रामीण आवास सहायक श्री दिनेश कुमार को ग्राम पंचायत ननौरा में स्वेच्छाचारिता गलत मंशा के तहत विभागियों को निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आयोग लाभुक,
ये पूछते हैं कि आज 10वां दिन है, 11वां दिन है, कोई अभी तक आया है कि नहीं, कोई सुध लेने आया है कि नहीं आपकी अभी तक? कोई नहीं आया है। नहीं, अस्पताल से नहीं आते। हाँ, अस्पताल, अस्पताल का तो आपको शुक्रिया अदा करना होगा, आपके पीछे खड़े हैं। अस्पताल तो 2400 घंटा बेचारा है, वो मिलने पदाधिकारी लोग नहीं आ रहे हैं, अस्पताल के सबको आते हैं। प्रभारी सर हमको बहुत योगदान देते हैं, 1-1 बजे रात को फोन करते हैं, रात में हमको फीवर आ गया, हमको तुरंत दौड़ा लाए अस्पताल से, हमको कहीं कमी नहीं हो रही है। जो भी कमी हो रही है, BDO साहब, SDO साहब, मैंने जिला के जितना भी बड़े पदाधिकारी हैं, देखिए भैया 22 तारीख को हमको SDO साहब बुलाते हैं, मेरे लिए 22 तारीख को कार्यालय खुला है। शुरुआत आप अकेले से किए थे, जब आप अनशन पे बैठे थे तो आप अकेले थे, आज सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, ये तो लग रहा है ना कि आपने जो शुरू किया वो सफल हो रहा है धीरे धीरे, ये मानते हैं कि नहीं आप? जी भैया, हम बिल्कुल मानते हैं, हम मानते हैं, क्योंकि हमारा गुरु जी कहा था कि संघर्ष से लड़ो, संघर्ष से भागना नहीं। जब हमको, हम उनका घर गए थे तो उनकी मात, उनका घर, हम 9 बजे पहुंचे थे रात में, तो उनका घर के बगल में एक मंदिर है, वहाँ पे नाई वगैरह भी रहता है, चाय दुकान भी है। अच्छा, मनीष भी आगे घर पे? हाँ, और उनका घर के आगे एक गेट लगा हुआ था बड़ा सा, मैं वहाँ गए, 9 रहा वहाँ से, हमको बात नहीं हो पाया उनके घर से, फिर हमको कोई फोन बात कराए मनीष भैया से, वो बोले, मैंने उनको बात किया, हमने तमिलनाडु भी उनके लिए गया भैया, क्योंकि मैंने, और उनके, जब वो जेल में थे तो आप तमिलनाडु भी गए थे उसे मिलने? तमिलनाडु गए, मैं फोटो दिखाता हूँ, देखिए उनके लिए वैष्णो देवी का यात्रा किया हूँ मैं पैदल लुधियाना से, मैं लुधियाना कमाता हूँ, देखिए। आपने बोल दिया, मुझे विश्वास है। और मैं, और जब वो जेल से आए थे तो फिर भी मैं उनको घर गया था, उनको घर भी मैं गया हूँ, और घर जाके मैं सबसे मिला था, कुमार अभिनव भैया से, रवि भट्ट भैया से, उसके बाद एक हिंदू राष्ट्र के हैं जो भैया से मिले थे। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल पूछते, ज्यादा टाइम लेंगे आपका, कि प्रशासन से और मनीष कश्यप से क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? हम मनीष भैया से यही चाहते हैं कि भैया, जो जो व्यक्ति, जो निर्दोष है, जो व्यक्ति निर्दोष है उसको बचाया जाए, अगर दोषी सचिव है, अगर सचिव दोषी पाया गया तो उसके ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, अगर लेकिन गलती नहीं किया है तो निर्दोष व्यक्ति क्यों फंस रहा है भैया, इसमें सारा व्यक्ति निर्दोष फंस रहा है। मनीष कश्यप तो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं आपके लिए, बाकी का काम प्रशासन का है, तो प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से मांग यही है सर कि इसको CBI जांच किया जाए, CBI जांच किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा पत्रकार महोदय, क्योंकि यहाँ 10 दिन से इन लोग हमारे साथ बैठी हुई है, 10 दिन हम इन लोगों से भी बात करेंगे। हाँ, 10 दिन से इन लोग बैठी हुई है, इन लोग को अगर नहीं न्याय मिलेगा तो हम इन लोग के पास दोबारा जाएंगे, हम जाएंगे आप ही के पास दोबारा जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई है इन लोग के लिए, मैं अपने लिए लड़ाई नहीं के लिए लड़ रहा हूँ। हमको तो जितना धमकी मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, देखिए मेरा गाड़ी में धक्का मार दिया, मेरा गाड़ी अंदर में लगा हुआ है, जाके देखिए, मुखिया जबरदस्ती, उसका गाड़ी नंबर BR 2780 है, और धक्का मार दिया मेरा गाड़ी में, हमारी औकात नहीं है कि उसके साथ हम लड़े, बस हम उनको लेके और उन्हीं की राह पे चल के हम दर दर भटक रहे हैं भैया, हाईकोर्ट की है, हर एक जगह की है, अब हम कहाँ जाएंगे? शायद मैं लगभग 7 से 8 साल से धांधली चल रही है, 70 से 72 लाख के आसपास का आकलन किया जा रहा है, गमन हो गया है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं ली जाती है, 7 साल से आपके कदम के नीचे से, पैर के नीचे से इतना बड़ा कांड हो रहा है, लेकिन कोई खबर नहीं, क्यों? ये बात का जानकारी तो हमको नहीं है। सबसे पहले तो सच टॉक्स को धन्यवाद, हम लोजपा से प्रदेश उपाध्यक्ष खुशबू सिन्हा हैं। ये बात का जानकारी हमको नहीं था, इनसे आज ही बात हुई तो हमको पता चला कि ऐसे ऐसे ये मैटर है, गवन का मैटर है, तो हम DM साहब को फोन किए, उनसे इस मैटर पे हम बात किया आज, तो फिर वो बोले कि ठीक है मैडम आप जाइए, हम BDO साहब को बोल देते हैं। हम यहाँ आके देख रहे हैं सारा मैटर, आवेदन देख रहे हैं कि गबन हुई है, 16-17 का मामला है, तो हम DM साहब से कल मिलने जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि जो दोषी है उसको सजा मिले, और जो निर्दोष है, अगर निर्दोष को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उन पे थोड़ा अभी थोड़ा ढिलाई किया जाए, और हम यही चाहेंगे कि इस पे गहन जांच हो। हाँ, क्योंकि अपराध बिहार में बढ़ते जा रहा है, और अभी के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से हम विनती करेंगे कि जो अपराध बढ़ रहा है इस पे वो थोड़ा लगाम लगा दे। लेकिन इतना बड़ा गमन, एक निचले स्तर पर इतना बड़ा गमन हो जाता है, सोचने वाली बात है, और खबर नहीं लगती है इस पे, आप मतलब सबसे क्या, कब से ये कार्रवाई शुरू की जाएगी?
हम तो अथक प्रयास करेंगे कि ये कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू की जाए। हम ये आवेदन इनसे लेके और हम केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान को भी देंगे और इनका सारा मामला को हम उनके संज्ञान में डालेंगे। उसके बाद वो क्या इस पर निष्कर्ष करेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनके जान को भी खतरा है, ये हाँ, बोल रहे हैं लगातार, इनको मारा पीटा भी, घर में घुस जाते हैं, गाड़ी के साथ तोड़ फोड़ हुआ है, तो उसके लिए कुछ होगी कार्रवाई, उसके लिए कुछ है, इनके लिए कुछ पीछे से कोई सपोर्ट मिलेगा? हाँ, मिलना तो चाहिए। वो तो हम भी देख रहे हैं कि जितना साक्ष्य लेके ये खुला जगह में बैठे हैं, बहुत सारा साक्ष्य है इनके पास और ये लेके जो बैठे हैं, तो हमको तो लग रहा है कि इनके जान को खतरा है। तो हम डीएम साहब से कहेंगे, आग्रह करेंगे कि इनको थोड़ा सुरक्षा मुहैया कराया जाए ताकि इनकी जान का रक्षा हो सके। नादगंज के बीडीओ भी हमारे साथ हैं और हम इसे जानने की कोशिश करेंगे, इससे पहले जो बीडीओ थे उन पे संलिप्तता का आरोप लग रहा है, ये गवर्नमेंट का जितना आरोप है उनके भी नाम आ रहा है, ये जो आरोप लगा रहे हैं उन पे भी लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आज हम लोग इनको अनशन तोड़वाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं अभी हिसुआ प्रखंड में हूँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ पे प्रभार में हूँ और ये मामला 7 निश्चय का है जिसमें मेरे द्वारा जिला से निर्देश प्राप्त होने के बाद वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य दोनों पे प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और उनकी गिरफ्तारी भी होनी शुरू हो गई है। अब इनको ये तकलीफ हो रही है कि अब वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य जो हैं वो निर्दोष हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है, इस पर इनको आक्षेप है। तो ये काम हमारा नहीं है, ये काम अनुसंधान में थाना का काम है। हमारा जो काम था ये प्राथमिकी दर्ज कराना हो गया है, इतना तो करवा सकते हैं ना, गिरफ्तारी पे रोक लगवा के फिर से जांच हो सकती है, ऐसा कोई प्रावधान तो होगा? हम लोग के स्तर से काम अब नहीं होना, हम लोग का स्तर था कि उस पर प्राथमिकी दर्ज करा देना, बाकी ये काम अनुसंधान में जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कार्रवाई होगी। ये 28 साल के एक युवा है जो अपने गाँव के लिए, अपने समाज के लिए अनशन पे बैठे हैं, मनीष कश्यप को आदर्श मानते हैं। पीछे पोस्टर आप देख रहे होंगे, एक पोस्टर में इनका फोटो छपा है और उनका जो सिग्नेचर स्लोगन है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ननौरा गांव पंचायत में राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। प्रशासन से मांग है कि एक जांच हो, एक जांच कमेटी बैठे, कम से कम इसमें जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। बाकी आप इस मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।